गाइस, दिस इज तनु कात्यानी गुप्ता फ्रॉम मेरठ। वेलकम टू माय चैनल मिरेकल्स ऑफ कृष्णा। फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। जी हाँ फ्रेंड्स, भगवान पर विश्वास करो और अच्छा अच्छा करते रहो, सही काम करते रहो। फ्रेंड्स, ये मुझसे किसी ने बोला कि तुम हमेशा अपनी वीडियोज में बोलते क्यों हो कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। क्या है ये, प्लीज एक्सप्लेन करेंगी आप? तो मैं आज वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी करिए। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। भगवान के सामने हम रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, कुछ भी अपनी बात हम शेयर कर सकते हैं, वो कभी हंसेंगे नहीं। अगर हम किसी और के सामने बोल रहे हैं ना कि ये हमारी टेंशन है, वो सिर्फ हो सकता है कि आपकी बात जानने के बाद आप उससे अपनी बात शेयर कर रहे हैं, तो वो किसी और से बोले, आपका मजाक बनाए। बट भगवान के साथ आप एक रिलेशन बना रहे हो, आप उनको मानते हो, उनके सामने जाकर अपनी बात बता रहे हो ना, तो कभी आप पर हंसेंगे नहीं, वो आपको सपोर्ट ही करेंगे। मैं तो बहुत मानती हूँ भगवान को, मेरे भी बहुत टेस्ट लिए हैं भगवान ने, और मेरी भी विश इतनी सारी हैं, तो मैं भी तो सोचती हूँ कि क्या भगवान ने मेरी क्यों नहीं विश पूरी की। जब जब टाइम आ रहा है उस टाइम पे वो भी मेरी विश पूरी होती जा रही है, मैं बहुत खुश हूँ। और भगवान पर जो मेरा ट्रस्ट है, वो कल भी था, आज भी है और लाइफ टाइम रहेगा। भगवान ने मेरा बहुत साथ दिया है, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे पे बनी रहती हैं, और इसलिए मैं बोलती हूँ कि ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। और ये मैं अपने स्टेटस पे भी लिख रखा है मैंने कि ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पर विश्वास करो और सही काम करो। इससे क्या होता है ना, एक मुझे, मैं इसलिए इसको बोलती हूँ कि मुझे एक तो इसको बोलकर, सुनकर, देखकर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, भगवान पर मेरा ट्रस्ट बना हुआ है और मुझे सही काम करना है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हंसते भी हैं जब मैं भगवान का नाम लेती हूँ या पूजा कर रही हूँ, तो बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं सुनेंगे भगवान। पर मैं उनकी बात कभी नहीं मानती। बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम्हारी तो ये विश पूरी भी नहीं हुई है, तुम्हारी ये चीज़ तो हुई भी नहीं है। तो पहले तो मैं क्या होता था ना, बता देती थी अपने बारे में, अपनी जो चीज़ इच्छा होती थी। अब जाके पता चला कि लोगों के सामने कभी अपनी विश नहीं बतानी चाहिए, लोगों को नहीं बोलना चाहिए कि ये चीज़ है, या टेंशन भी मत बोलिए। आप बोलेंगे तो आपको होगा क्या, वो आपकी कोई हेल्प थोड़ी ना करेंगे, आपके साथ तो नहीं खड़े रहेंगे, सुनेंगे और मजाक ही बनाएंगे या फिर इग्नोर कर देंगे उस बात को। तो हम क्यों किसी को बताएं अपनी बातें, किसको बतानी चाहिए? यूनिवर्स, भगवान, उनसे कहेंगे तो वो हमारी प्रार्थना चाहे देर से सुने पर सुनेंगे जरूर, देर से थोड़ी सी हेल्प करें पर करेंगे जरूर, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए मैं हर बार बोलती हूँ ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, और आज भी कह रही हूँ, और यही बोलूँगी कि हमेशा भगवान पर विश्वास, जो भी है आपका, आप अपना विश्वास ऐसे ही बनाए रखें, कम मत होने दीजिए। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनकी उम्मीद भी नहीं थी, पता भी नहीं था, इतना अच्छा भी कर दिया भगवान ने मेरी लाइफ में, मेरी फैमिली की लाइफ में। बहुत कुछ मिलना अलग बात है, बहुत कुछ के साथ प्रॉब्लम्स होना वो बहुत टफ है, बहुत कुछ है फैमिली में, बट उसके साथ जो नेगेटिविटी है उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसको लेकर टेंशन रहती थी। अब क्या था कि वो चीज़ भी भगवान ने दूर कर दी, उस नेगेटिव थिंग्स को ही हटा दिया। तो मुझे तो इतना पता है, मैं तो बहुत मानती हूँ भगवान को, और यही बोलूँगी कि आप अपना विश्वास कम मत होने दीजिए, चाहे देर से ही बट करेंगे जरूर, और आपकी विश भी पूरी कर देंगे टाइम आने पर, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग आने पर जब कोई काम होता है ना, तो बहुत अच्छा होता है और हमेशा के लिए वो चीज़ फिक्स हो जाती है डिवाइन टाइमिंग पे। और हम ऐसे ही टाइम पे करेंगे, जल्दी करेंगे, तो वो हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होगा। और एक और वह है कि डू द राइट, सही काम करते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करते रहिए, फॉलो अच्छे से काम करते रहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो, बस डू द राइट बाय हार्ट, मंत्र चैंट कीजिए, पूजा करिए, बट ट्रस्ट गॉड पर बनाए रखिए।
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। बाय बाय।